नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, कई बार व्यक्ति के जीवन में उसके बुरे ग्रहों के चलते कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन यदि व्यक्ति कुछ उचित उपाय कर ले तो उसके जीवन में चल रही परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए उसे मुक्ति मिल जाती है। तो यदि आपके जीवन में ग्रहों के कुप्रभाव के कारण पैसों की तंगी है, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर वास्तु दोष के कारण घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, तो दोस्तों इसी के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो। काली मिर्च के 7 दाने चुपचाप फेंक दे, यहाँ सारे काम बनते चले जाएंगे, मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, लाख कोशिशों के बाद भी कई बार काम पूरा नहीं हो पाता है, या फिर बनता बनता काम बिगड़ जाता है। अगर आपका काम भी बार बार बिगड़ रहा है तो आपके किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज आपकी ये समस्या दूर कर सकती है। क्या आप जानते हैं, आपके किचन में ही कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो आपकी किस्मत चमका सकती है। इनसे किए गए छोटे छोटे और आसान उपाय आपकी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि और शांति भी ला पाएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं काली मिर्च से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ आसान और खास उपाय। चुपचाप काली मिर्च के 7 दाने फेंक दे, यहाँ सारे काम बनते चले जाएंगे और घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति। दोस्तों, आज के इस दौर में कलयुग में हर किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्छा तो होती ही है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे धन प्राप्ति की कोई इच्छा ना हो। तो दोस्तों, यदि आपके घर में धन का अभाव रहता है तो आप हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को अवश्य करें। इसे करने से आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। इस उपाय के लिए दोस्तों, सबसे पहले काली मिर्च के 7 दाने लें और इन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार लें। 7 बार क्लॉकवाइज उतारें, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में ही आपको इन्हें उतारना है। 7 दानों को पहले आप अपने सीधे हाथ में, यानी कि राइट हैंड में ले लें और मुट्ठी बंद करके अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं, और फिर आपको किसी चौराहे पर चुपचाप जाना है। और ध्यान रखें कि ऐसा चौराहा चुने आप जिस पर आप खामोशी से ये काम कर सके, यानी कि कोई भी आपको देख न सके। अब किसी चौराहे पर खड़े होकर, या फिर कहें कि किसी एकांत स्थान पर जहाँ चारों दिशाओं का संयोग होता हो, वहाँ पर आप खड़े होकर के 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें, यानी एक दिशा पूर्व में, एक दिशा पश्चिम में, एक उत्तर में, तो एक दक्षिण में। इसी प्रकार से आपको हर एक दाने को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फेंक देना है। इसके बाद आपको 5वां दाना आसमान की ओर फेंक देना है। ऐसा करने के बाद आपको अपने घर की ओर चलते हुए आना है। जब आप चल रहे हो तो 3 कदम चलने के बाद 6वें दाने को जमीन पर गिरा दें, और उसके बाद 9 कदम और गिने। 9 कदम और चलने के बाद 7वें दाने को अपने पीठ के पीछे, यानी पीछे फेंक दें, और फिर पीछे मुड़ करके ना देखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसे आपका दुर्भाग्य और बुरी किस्मत आपके पीछे रह जाती है, और यदि आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो आपकी बुरी किस्मत आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसके लिए अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही यदि किसी की बुरी नजर के कारण उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है तो वह दोष भी दूर हो जाता है, साथ ही साथ बुरी नजर भी उतर जाती है। दोस्तों, अगला उपाय हम आपको बताते हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, हर उपाय को करने के लिए साथ ही साथ हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, इसीलिए हम आपको बार बार आग्रह करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा बजरंगबली, जय बजरंगबली या आपके इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें, जिससे हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा और वह भी इसका नाम लेगा, और इससे आपके पुण्य कर्म में वृद्धि होगी और साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और आपके द्वारा किए गए उपाय आपको जल्द ही असर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब देरी ना करते हुए आपको बताते हैं वास्तु दोष को दूर करने के लिए दूसरा उपाय। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है या नजर दोष से वह पीड़ित हो जाता है, क्या आपको पता है कि आपके घर को भी नजर लग सकती है? दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नजर लगे तो उसके नजर को उतारने के लिए बहुत से उपाय होते हैं, वह उपाय करके वह व्यक्ति नजर दोष से मुक्ति पा लेता है। लेकिन अगर घर को ही नजर लग जाए तो ऐसे में आपको आर्थिक हानि होना तो स्वाभाविक है। आपके घर में कोई भी कार्य नहीं बनेगा, घर में से हमेशा पैसा खर्च होने लगेगा, घर में कोई ना कोई बार बार बीमार होने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए, जिससे आपके घर पर लगी हुई बुरी नजर
या कोई बुरा साया है तो वह दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कई तरह के वास्तु दोष हैं जिनको आप चाहकर भी कोई उपाय करके निकाल नहीं पा रहे हैं, तो एक बार आप इस काली मिर्च के उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शनि देव की 7.5 का प्रभाव होने से शनि ग्रह उस पर भारी होता है जिस घर में वास्तु दोष होता है। शनि ग्रह वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको एक काले कपड़े में काली मिर्च ले लेनी है। दोस्तों, काली मिर्च के 7 दाने आपको लेने हैं, गिनती कर लें और काले कपड़े में आपको 7 दाने काली मिर्च के लपेट देने हैं। साथ ही साथ आपको 1, 5 या फिर 11 रुपए उस पोटली में रख देने हैं और उसके बाद उस काले कपड़े से आपको उसे पोटली बना लेनी है। पोटली बना लेने के बाद आपको घर के मुखिया के सिर पर से 7 बार और अन्य सदस्यों के सिर पर से इस पोटली को 5 बार क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाना है और घुमाने के बाद यदि संभव हो तो शनिवार के दिन अन्यथा मंगलवार या फिर किसी भी दिन आप इसे किसी भी शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में जा करके दान करें। ध्यान रहे कि आप इसे हो सके तो एक ऐसे व्यक्ति को दान करें जो जरूरतमंद हो। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष बहुत ही जल्दी मिट जाता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसे को न ढूंढ पाए जो जरूरतमंद है तो आप मंदिर में दान दे सकते हैं या पुजारी को भी दान दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शनि ग्रह का प्रभाव कम होने लगता है और उसकी वजह से घर में पड़ने वाला वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। दोस्तों, इससे अगला उपाय के बारे में हम बात करते हैं सफलता पाने के लिए। दोस्तों, हम इस उपाय के बारे में बात करें इसलिए उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, धन कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है समाज में मान सम्मान प्राप्त करना और सफलता पाना। दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तब उसकी सफलता पाने की राह में अड़चनें जरूर आती हैं। दोस्तों, कई बार होता है जब व्यक्ति का काम बनने लगता है तब उसमें विघ्न आ जाते हैं यानी कि काम बिगड़ जाता है या काम में अनेकों प्रकार की रुकावटें आने लगती हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए काली मिर्च का यह टोटका बहुत ही रामबाण अस्त्र है। दोस्तों, इस उपाय को ध्यान से सुने और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर जय शनिदेव अवश्य लिखें। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर जाएं, काम करने के लिए जाएं या किसी भी जरूरी काम से या मीटिंग के लिए नौकरी दफ्तर आदि के लिए जाएं, तो घर के मुख्य दरवाजे पर 7 काली मिर्च अपने सीधे हाथ की तरफ से लगाते हुए उल्टे हाथ यानी कि एक सीधे हाथ की चौखट से होते हुए उल्टे हाथ की चौखट के चौखट तक 7 दाने रख दें और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो उनमें से उन 7 दानों में से किसी भी एक दाने पर पैर रख करके ही बाहर निकले। दोस्तों, इस उपाय को करते वक्त एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब अपने घर से निकल जाएं तो अपना कार्य तक पहुंचने के बाद ही घर वापस आएं। यदि आप कोई वस्तु भूल गए हैं, मोबाइल फोन या फिर रुमाल आदि भूल गए हैं, तो आप इन सब चीजों का पहले से ही ध्यान रखें या फिर आप आवाज लगा करके किसी को घर में से उसको देने के लिए कहें, किंतु आप खुद वहाँ लेने के लिए बिल्कुल भी न जाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है यदि आप खुद उसके अंदर घुस गए यानी कि पैरों से उसको लांगने के बाद उस चौखट से दोबारा से घर के अंदर प्रवेश कर गए तो आपकी बुरी किस्मत आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती है यानी कि बुरी किस्मत का साया हमेशा आपके सिर के ऊपर ही मंडराता रहता है और आपको कभी भी सफल नहीं होने देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपका काम बार बार बिगड़ जाता है तो यह उपाय करने से आपको रामबाण अचूक उपाय के रूप में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके अलावा हर किसी व्यक्ति के जीवन में पैसा कमाने सफलता पाने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो होती है वह है बीमारियों की। जब घर में कोई सदस्य या खुद आप अगर बीमार हो जाते हैं तो घर में पैसों का आना रुक जाता है और चिंता अलग से हो जाती है। तो दोस्तों, बीमारियों को दूर करने के लिए भी आज मैं आपको एक रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है तो काली मिर्च के टोटके से बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। बस आपको इस प्रकार से उपाय करना है और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखना है। दोस्तों, काली मिर्च के 7 दाने ले और घर के किसी एक कोने में एक मिट्टी के दीपक में उन्हें डाल दें और इस मिट्टी के दीपक में डाल देने के बाद आपको घर के उत्तरी कोने में यानी उत्तर दिशा की ओर जो घर का कोना है वहाँ पर इसे रख देना है। 1 हफ्ते तक रखने के बाद उस दाने को आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और दोबारा से नए दाने नए मिट्टी के दीपक में उसी कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में बार बार लगने वाली बीमारियां खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपके घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है तो इसके लिए भी आपको मैं एक दीपक का और काली मिर्च का एक उपाय बताता हूँ। दोस्तों, थोड़ी सी काली मिर्च
यानी कि 7 या 8 दाने आप एक काली मिर्च के लेकर के एक दीपक में रख दें। दीपक इस बार आपको आटे का बनाना है। दोस्तों एक आटे के दीपक में चौमुखा दीपक बना करके उसमें आप 7 या 8 काली मिर्च के दाने रख दें। काली मिर्च के दाने उस दीपक में रखने से पहले आप घर के प्रत्येक सदस्य के सिर पर से इन काली मिर्च के दानों को 3 बार घुमा लें। उसके बाद मिट्टी के बने दीपक में उसे रखें और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके उन काली मिर्च के दानों को जला दें। यह कार्य आपको शाम के वक्त जब सूर्य छिपने वाला हो उस वक्त करना चाहिए, यानी कि लगभग 7 बजे के आसपास आपको ये उपाय करना चाहिए। ऐसा करने से घर में आने वाली हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कई बार दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा हमारे पड़ोसियों के द्वारा, हमारे घर के खुद सदस्यों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा उनके साथ ही घर में प्रवेश कर जाती है या फिर किसी की बुरी नजर के द्वारा भी प्रवेश कर जाती है। और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अपना अलग प्रभाव दिखाती है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा घर में लोगों को रोगी बनाती है, कुछ धन की हानि कराती है, कुछ सफलता के आगे अड़चन बनती है, तो कोई काम आपका बिगाड़ने लगती है। इसलिए दोस्तों हर प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए यह एक ऐसा उपाय है जिसे आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय आप यदि मंगलवार के दिन करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा आप किसी भी दिन करें तो इसका प्रभाव लगभग बराबर ही मिलता है। तो दोस्तों ऐसा उपाय आप अवश्य करें। आप काली मिर्च के 7 या 8 दाने अपने सिर पर से, अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से घुमा करके अवश्य डालें उस मिट्टी के दीपक में, जो चौमुखा दीपक आपने बनाया है उसमें डालें। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके, कपूर को तोड़कर भी डाल सकते हैं दोस्तों, कपूर डाल करके उसको जला दें। जलाते वक्त आप इसे घर के बाहर अपने बालकोनी पर, घर की छत पर रख सकते हैं, वहाँ रख करके इसे जला दें। यदि ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के पूजा के मंदिर में रख करके भी आप जला सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए बता रहे हैं, आप अपने घर के पूजा के मंदिर में भी रख करके इसको जला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया काली मिर्च के उपाय। काली मिर्च के 7 दाने चुपचाप फेंक दे, यहाँ सफलता मिलेगी और घर में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें जय बजरंगबली।